सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रेटिंग को हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि रेटिंग दिखाना बहुत ही कंपलसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेटिंग देख लो, इस एप्लीकेशन की रेटिंग है 4.7 की। दोस्तों 4.7 की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रेटिंग रहती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं वीडियो में कि ये जो एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं आज बता रहा हूँ, ये RBI से रजिस्टर्ड है, NBFC कंपनी है, यहाँ पर आपको कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, ठीक है। कोई 7 डे की एप्लीकेशन नहीं है, बढ़िया एप्लीकेशन है, बढ़िया तरीके से लोन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने रेटिंग दिखा दिया, रेटिंग भैया 4.7 की, ठीक है। और अगर हम इनके जो ये फ़ोटो वगैरह है इनमें देखेंगे, तो जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ पर देख सकते हैं, इसको फोकस करो, यहाँ पर क्या लिखा है, अवेलेबल लिमिट 4 लाख रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर अनलॉक योर लिमिट का ऑप्शन है, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो 4 लाख रुपए है, जब कंपनी दिखाया है, दर्शाया है अपने ऐप के अंदर, तो कंपनी दे भी रही होगी लोन, ठीक है। तो देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि कंपनी लोन प्रोवाइड करवा रही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां पर हम आएंगे अबाउट सेक्शन में, अबाउट सेक्शन में आने के बाद ऊपर के स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है इन्होंने, देखो लोन अमाउंट 1 लाख रुपया, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10 महीने के लिए अगर आप लेते हो, प्रोसेसिंग फीस लगेगा 1178 रुपया, बैंक में आएंगे 98,822 रुपया, और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 रुपये, रिपेमेंट करना पड़ेगा 1,10,000 रुपये, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोन तो मिलता है, लोन तो मिलता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा लोन नहीं मिलता है, लोन मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है, कैसे हम अप्लाई करेंगे वो हम आपको बताएंगे। देखो भाई यहाँ पर आपको जो लोन मिलता है वो मिलता है भैया इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर देख लो कि इस एप्लीकेशन को 5,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन मार्केट में बिल्कुल अभी नया आया है, ज़्यादा दिन पुराना भी नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों मो मनी ए न्यू वे टू इन्वेस्ट, ठीक है। अब मो मनी का मतलब क्या है, अब यहाँ पर देखो, मो मनी इंडिया ग्रो योर मनी विथ मो मनी, ठीक है। आप अपने मनी को ग्रो कर सकते हो हमारे साथ। अब यहाँ पर ये कैसे काम करता है, देखो हम ओपन पर क्लिक करेंगे इस एप्लीकेशन को, और तो हमारा जो एप्लीकेशन वो इस प्रकार डैशबोर्ड में ओपन होता है। अब देखो जब आप यहाँ पर अपना अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर आपको पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा, आप पिन सेट कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास पिन नहीं है या फिर पिन भूल गए हैं तो आप लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करके आप OTP बेसिक पर भी एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हो, इशू नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम अपना पिन कोड डाल देते, सॉरी पिन कोड नहीं, पिन नंबर डाल देते, ठीक है। तो मैंने यहां पर अपना पिन को पिन नंबर डाल दिया जो मैंने इसमें बनाया था। अब देखो यहां पर हम आ चुके हैं एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी आप देखो एप्लीकेशन के अंदर यहां पर आपको मिलेगा देखने के लिए इन्वेस्ट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब देखो इन्वेस्ट में तो क्या है, आपको इन्वेस्ट दिखाया जाएगा, क्रेडिट में क्या है, आप क्रेडिट ले सकते हो, मतलब फाइंड योर लिमिट, ठीक। आप यहां पर देख सकते हो फाइंड योर लिमिट, आपको कितनी लिमिट मिली है वो आप यहां पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, इसमें हम जैसे क्लिक करते हैं तो देखो यहां पर अभी देख सकते हो आप, हमको जो है ना जीरो लिमिट, जीरो यूज है, और यहां पर आप देखते हो XX दिखाई दे रहा, मतलब लिमिट भी हमारी जीरो है। अब यहां पर फाइंड योर लिमिट पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारी जो लिमिट है वो फाइंड की जाएगी, ठीक है। अब देखो म्यूचुअल फंड इंपोर्ट इन प्रोग्रेस, ठीक है। This is taking longer than usual, will be notification once it completed, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर मैं आपको सीधी भाषा में समझा दूँ कि ये जो एप्लीकेशन है मो मनी, ये आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट बेसिक पर लिमिट प्रदान करवाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान के चलो आपकी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट है, ठीक है। आपकी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट है, लेकिन आप इन पैसों को नहीं निकालना चाहते। देखो कभी कभार क्या होता है कि हम लोग तय कर लेते हैं कि भैया जो हमारा पैसा इन्वेस्ट है उसको हम अपना FD पे ही निकालेंगे, जब हमारा जो समय पूरा होगा तभी हम निकालेंगे, ठीक है। अब आप इसको नहीं निकालना चाहते लेकिन आपको पैसों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो आप क्या करो, मो मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड यहाँ पर क्रेडिट पर क्लिक करके, आप यहाँ पर फाइंड योर लिमिट पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी लिमिट ले सकते हैं। मतलब कि आपका जो इन्वेस्ट होगा उसका 75% लेकर के 80% तक का आपको यहाँ पर लिमिट देखने को मिल जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो आपका मोबाइल नंबर म्यूचुअल फंड में लगा है वही मोबाइल नंबर से एप्लीकेशन को ओपन करना है ताकि आपका म्यूचुअल फंड को ये फाइंड आउट कर सके, ठीक है, और आपकी एक अच्छी सी लिमिट प्रदान करवा सके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये जो एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करवाता है RBI से रजिस्टर्ड है, NBFC है और बढ़िया एप्लीकेशन है, मो मनी एप्लीकेशन का नाम है। आप यहाँ से क्रेडिट लिमिट को ले सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ओके। अब यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद था, काफ़ी लोग बोल रहे थे भैया इसमें कैसे लोन मिलता है, हमको तो पता नहीं, लोन का ऑप्शन कहीं आता ही नहीं है। लोन तो मिलता है लेकिन भाई यहाँ पर क्या है, आपको मैंने बता दिया कि आपके म्यूचुअल फंड के रिकॉर्डिंग लोन मिलेगा, जितना आपका म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट होगा उसका जो है 75% से 80% तक मिल जाएगा और ये एक सिक्योर लोन होगा, ठीक है। अगर आप लोन नहीं चुकाते हो तो हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड होल्ड पे चला जाए, ओके। तो ये भाई वीडियो में बस इतना ही रहेगा, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।